हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बंधन चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट वन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट टू। इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था कि व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा इफ़ यू विल नॉट गेट सक्सेस दिस टाइम देन व्हाट विल यू डू। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अगर आपको इस बार सक्सेस नहीं मिली तो आप क्या करेंगे। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि मैं सर फिर से ट्राई करूँगा, अगले साल फिर एग्ज़ाम होगा या फिर और भी कई सारे बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें ट्राई करूँगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। आपको यहाँ पर दिखाना है कि आप गिव अप नहीं करेंगे जब तक आपका होगा नहीं। ये आपको इस क्वेश्चन पर बोलना है, तभी आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर बात करें, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको अपना अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि मेरे ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट थे, कितने एग्ज़ाम्स दिए मैंने, कितना सेमेस्टर था। ये सारा आपको पूरा काउंटिंग आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये सभी चीज़ें वो लोग कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपने थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़े थे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स का नाम आपको पता होना चाहिए और उनसे रिलेटेड देखिए जो भी चीज़ आप अपने उसमें रिज्यूमे में मेंशन करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, उसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना होता है इंटरव्यू के टाइम पे। उसमें से ही सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उसमें से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कोई जो जैसे देखिए बैंकिंग वगैरह क्वेश्चन तो वो लोग खुद बताएंगे, खुद पूछेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं 70 to 80% क्वेश्चन, वो आपके रिज्यूमे में से ही पूछा जाता है। और प्रीवियस अचीवमेंट आपकी जो भी रही हो, जो भी उसमें जरूर मेंशन करें, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपका इंटरव्यू पे। जो भी कभी आप मान लीजिए स्कूल कैप्टन रहे हो, वाइस कैप्टन रहे हो, स्पोर्ट्स में कभी पार्टिसिपेट किया है आपने, कभी मेडल अचीव किया है आपने, डिबेट कहीं पे दिया है, आप जो भी आप जहाँ पे से भी आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल है या फिर नहीं भी है, तो आप जरूर उसमें मेंशन करें और उसको जस्टिफाई करें कि हाँ सर मैंने यहाँ पे किया था। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे मैक्सिमम कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये होता है। देखिए, वैसे तो जितने भी लोग जाएंगे अलग अलग आंसर देंगे, लेकिन जो मेन पर्पज़ है इसको चेक करने का कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, इसका ये पर्पज़ होता है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री में रियली आप उसमें काम करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं और उसमें आप रहेंगे, फ्यूचर में आप छोड़ के जाएंगे नहीं बैंकिंग इंडस्ट्री को। तो मेन पर्पज़ आपका यही पूछना होता है, यही जानना होता है इन लोगों को, इंटरव्यूअर को, कि आप किसी बात से उनको बता दें, अपने आप को जस्टिफाई कर दें वहाँ पर कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ही आप रहेंगे और आपको बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, आप शुरू से ही उसमें काम करना चाहते थे और आप उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए आपको बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना है। ये आपका आंसर होना चाहिए, वहाँ पे उनको लगना चाहिए कि आप रियली में बैंकिंग इंडस्ट्री में सस्टेन कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट क्वालिटीज शुड वन पोजेस बी अ बैंकर। एक बैंकर होने के लिए आपके अंदर, एक बैंक ऑफिसर होने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या आप में वो क्वालिटीज़ हैं, ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल सर, हमारे पास बिल्कुल ये क्वालिटी है कि मैं एक बैंक ऑफिसर बन पाऊँ। तो आपसे पूछेगा कि क्या आपकी क्वालिटी है, आप बताइए आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप बैंक ऑफिसर बन पाएंगे। तो देखिए, क्वालिटी आप बहुत सी बता सकते हैं, उनको आप जस्टिफाई करेंगे कि आप जो है बैंक ऑफिसर बनने लायक हैं। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, जैसे कि आप लीड कर सकते हैं अपने ब्रांच को, अपने ब्रांच को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से डील कर सकते हैं आप, चाहे किसी भी सिचुएशन में आए आप घबरा नहीं सकते हैं वहाँ पे बैंक में, कैश कम हो जाए चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप हैंडल कर लेंगे। ये आपको बताना है आपको कि ये सब सारी चीज़ें हमें जो बैंक ऑफिसर होने के लिए चाहिए वो मेरे अंदर है। अब देखिए, अगर आप सपोज करिए सिंडिकेट बैंक PGDBF या फिर BOB PGDBF इन सब के इंटरव्यू में जाते हैं इंडिविजुअली, तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे सिंडिकेट हो गया, कैनरा हो गया, BOB हो गया, जिसके भी आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, उसका आपको कंप्लीट डिटेल, आपका पहला CMD कौन था, पहले ये बैंक क्या कहलाता था, इसका पुराना नाम क्या था, अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी ब्रांच हैं, कितने ATM हैं, इस नंबर ऑफ ATM, नंबर ऑफ ब्रांचेस, और कितने ओवरसीज ब्रांच हैं, और कितने आपके आपके शहर में कितनी ब्रांच हैं, आपने कभी उस ब्रांच में विजिट किया है कि नहीं किया है, ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से देख करके जाना होगा अगर आप इंडिविजुअल किसी बैंक के इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं। उस बैंक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल पता होना चाहिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी बैंक इंटरव्यू में जा रहे हैं, सपोज करिए आप BOB के PGDBF के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके शहर में अगर BOB है तो आप जरूर जाएं, उसमें
जो आपके ब्रांच मैनेजर रहेंगे या फिर जो भी रहेंगे, तो उनसे आप खाली टाइम में ज़रूर मिलिए, 5 या 10 मिनट के लिए मिलिए, और देखिए ब्रांच में नोटिस करिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन आप खुद जा करके नोटिस करिए कि चीज़ें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ऑर्गेनाइज है। ये सब चीज़ें जब आप अपने इंटरव्यू में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हु इज़ योर आइडियल और अ पर्सन हु इंस्पायर्ड यू मोस्ट? आपको बताना है कि कौन सा ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और वो आपके आइडियल हों, और आपके आइडियल कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कोई भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, बस आपको जस्टिफाई करना है कि वो जिसके बारे में भी बता रहे हैं आप, वो कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं है, आपके फादर मदर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका बड़े भाई छोटे भाई कोई भी हो सकता है, जिनसे जिसका आप उनका आप एक ज़रूर पॉजिटिव पॉइंट बताएं कि ये इनके अंदर ये एक अच्छाई थी जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो इससे मैं इंस्पायर हुआ और काफ़ी मैं इंस्पिरेशन मिलता है मुझे अच्छा करने में। तो इस टाइप की चीज़ें आप बताएंगे इंटरव्यू में। अब देखिए जैसे आप बैंक इंटरव्यू में जाते हैं और मैक्सिमम लोग आजकल बीटेक बैकग्राउंड से होते हैं, तो फिर उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, हाउ विल योर प्रोफेशनल नॉलेज बी हेल्पफुल इन बैंकिंग सेक्टर? आपका प्रोफेशनल नॉलेज, अब मुझे सपोज करिए कि आप बीटेक हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री को क्या देंगे, क्या दे सकते हैं? तो ये आपको जस्टिफाई करना होगा कि सर मैं अपना जो टेक्निकल स्किल्स है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिर पूछेंगे कि तो फिर आप आईटी ऑफिसर का फॉर्म क्यों नहीं भरे? तो आईटी आपको बोलना है कि सर मेरी ब्रांच ये थी सिर्फ, और उसमें सिर्फ स्पेसिफाइड ब्रांच होती है, उसी से भरा जा सकता है, इस वजह से मैंने आप जो है मैं ओपन जो रिक्रूटमेंट होता है उसके थ्रू आ रहा हूँ। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोफेशनल नॉलेज को बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज़ कर पाएंगे। सपोज करिए आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हैं, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं, और आपने आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि आप बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे क्या दे पाएंगे, कैसे आप बैंकिंग इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाएंगे, आप बैंकिंग इंडस्ट्री को करियर क्यों चुना, यहाँ पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज कैसे काम आएगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर जस्टिफाई करना होगा, कैसे आप जस्टिफाई कर ले जाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी फर्दर प्लान्स फॉर हायर एजुकेशन? आपका कोई हायर एजुकेशन का प्लान है फ्यूचर में? तो आप ज़रूर बताएं कि हाँ सर मैंने मेरा भी ग्रेजुएशन है और मैं फ्यूचर में ज़रूर MBA के लिए जाऊंगा, या फिर कोई फर्दर बैंकिंग या बैंकिंग का या फिर कोई भी किसी का कोर्स होगा फिनांस से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं करूँगा। तो उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि ये लड़का जो है बैंकिंग इंडस्ट्री को काफ़ी जो है पसंद करता है और इसमें ज़रूर सस्टेन करने वाला है। और देखिए फोर्थ पॉइंट है, योर स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट्स। योर स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट्स क्या? आप अपने स्ट्रांग पॉइंट तो बताएंगे ही बताएंगे, वीक पॉइंट्स में क्या बताएंगे? देखिए वीक पॉइंट बताना, आपको वीक पॉइंट में आपको इस तरीके से बताना है कि आपको ऐसा ना लगे कि वो वीक पॉइंट है, वो वीक पॉइंट ना लग करके वो स्ट्रांग पॉइंट बन जाए। और वीक पॉइंट में आप क्या बता रहे हैं, जैसे वीक पॉइंट आपको बताना है, जैसे वीक पॉइंट आपको बताना है, तो वीक पॉइंट आप बता रहे हैं कि मेरी एक आदत है कि जैसे कोई भी काम मुझे अगर दे दिया जाता है तो जब तक वो खत्म नहीं होता, तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक सर वो मैं अपने जगह से उठता नहीं हूँ, या फिर उस खत्म काम को खत्म करने के बाद ही कोई दूसरा काम करता हूँ। तो इस टाइप का आपको बताना है कि आपको वीक पॉइंट भी हो गया लेकिन वीक पॉइंट के अंदर का आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, तो इस टाइप का आपको वीक पॉइंट वहाँ पे इंटरव्यू में शो करना है, दिखाना है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स व्हाई डिडंट यू गो फॉर हायर स्टडीज? आप आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट होकर के आप जो है हायर स्टडीज के लिए क्यों नहीं गए? जैसे आप PG के लिए जा सकते हैं या फिर किसी कोई और अदर कोर्सेज के लिए क्यों नहीं गए? तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर मेरे लिए पहले प्रायोरिटी जॉब थी, ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं सोच रहा था कि पहले जॉब ले लेते हैं उसके बाद फिर आप मैं फर्दर स्टडीज़ कर लूँगा और मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा बैंक में फर्दर पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने यही प्रायोरिटी रखी कि पहले मेरी प्रायोरिटी जॉब थी उसके ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद फिर मैं हायर स्टडीज़ के लिए जाऊँगा। अब देखिए न्यूज़ एंड मैगजीन्स विच यू प्रेफर टू रीड, न्यूज़ एंड मैगजीन्स विच यू प्रेफर टू रीड, आप कोई भी बता सकते हैं, आपका कोई भी पसंदीदा न्यूज़ पेपर हो मैगजीन हो आप उसको बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई सिटी का कोई लोकल मैगजीन हो या फिर लोकल न्यूज़पेपर हो तो वो उसके बारे में आप ज़रूर पता करके जाएं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे ज़रूर इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि आप अपने सिटी से रिलेटेड कोई मैगजीन बताइए या फिर कुछ फेमस प्लेस बताइए जहाँ से ये मैगज़ीन पब्लिश होती है आपके शहर में, या फिर आपका न्यूज़पेपर बताइए जो आपके शहर में पब्लिश होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी ज़रूर आप देख करके जाइए, थोड़ा सा
अलग सोच करके जाइए कि मैं ये न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ या मैं ये न्यूज़पेपर मैगज़ीन पढ़ता हूँ, तो ये कहाँ से पब्लिश होती है, कितनी पुरानी मैगज़ीन है, उसका एडिटर कौन है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी मैंने पीछे कवर किया, वाई शुड वी सेलेक्ट यू, तो ये आपको दिखाना है कि मैं सर बैंकिंग इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में सस्टेन करूँगा और इसको छोड़ करके जाऊँगा नहीं, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। अब आप जैसे प्रूव करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम ऑफिसर, अब ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप बैंक पीओ के इंटरव्यू में जाएंगे तो ये जरूर पूछा जाएगा कि आप ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं, क्लर्क क्यों नहीं बनना चाहते। तो आप इससे बोल सकते हैं कि सर मैं क्लर्क का भी काम कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लर्क का भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं सर उससे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकता हूँ, इस वजह से मैं सर ऑफिसर बनना चाहता हूँ कि मैं उससे भी बड़ी जिम्मेदारी भी अगर मुझे दी जाए बैंक की तरफ से तो मैं ज़रूर उसको निभा पाऊंगा, आसानी से कर पाऊंगा वो काम के मैं करने के लिए मैं कैपेबल हूँ, इस वजह से मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो इसका जवाब आप इस तरीके से दे सकते हैं या फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि यही जवाब दें, आपको जो अच्छा लगता है जैसे आप जस्टिफाई कर पाएँ सामने वाले को। कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके सिबलिंग कौन है, कितने हैं, आपके सिबलिंग क्या क्या करते हैं, एनी गर्लफ्रेंड, और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबी इन योर लाइफ, आपकी हॉबी का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, तो आप इसको बताएंगे सर जो मेरी हॉबी है वो मुझे काफ़ी प्लेजर देता है, मैं काफ़ी मेरे अच्छा फील करता हूँ उसको करने से, और मुझे पढ़ने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए और फिर से मैं एनर्जाइज हो जाता हूँ, इस वजह से वो हॉबी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरी लाइफ में। तो आप जो भी आंसर देंगे पॉजिटिव वे में देंगे, कुछ भी निगेटिव नहीं बोलेंगे इंटरव्यू में। वॉट हैव यू डन इफ यू फेस डिफरेंट लैंग्वेज सिचुएशन इन फ्यूचर, आप क्या करेंगे अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेज पे काम करना पड़े फ्यूचर में, सपोज करिए आप पीयू हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई कर्नाटका में, वहां पर जो है आपका लोकल लैंग्वेज आपको आता नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आपको बोलना है कि सर आई विल ट्राई टू लर्न दैट लैंग्वेज, के बाद फिर आपको बताना है कि मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा सीखने के लिए, उसके बाद फिर अपने कॉलिग्स वगैरह से पूछूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे लोगों से मिलना है, अपने ब्रांच मैनेजर साहब रहेंगे उनसे हेल्प लूंगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चन, ये पार्ट 2 वीडियो था, आगे भी 2 पार्ट और लेके आऊंगा बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।